हेलो एवरीवन, वेलकम इन न्यू वीडियो ऑफ स्मार्ट ऑटो एडवाइस। तो आज की इस वीडियो आपके लिए लेकर के एस्प्रेसो BS6 मॉडल। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और बात करते हैं गाड़ी के बारे में। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो यार आज की वीडियो में हम आपको एस्प्रेसो स्टॉक यार के अंदर दिखा रहे हैं। तो यार गाड़ी का आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जब आप गाड़ी को बिना एसेसरीज और बाकी सारी चीज़ों के बारे में देखते हो तो किस प्रकार की देखने में लगती है जब आप गाड़ी को बिना एसेसरीज के देखते हो। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाड़ी के इंजन के बारे में बात करें तो गाड़ी के अंदर आपको 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो कि आप CNG के साथ भी ले सकते हो। और बाकी गाड़ी के बारे में बात करें तो गाड़ी एक मिनी SUV मॉडल के साथ आती है, जो कि यार कम्पीट करती है कविड जैसी गाड़ियों के साथ। इस गाड़ी का कम्पटिशन हमें देखने को मिल जाता है। और बाकी गाड़ी के लुक्स के बारे में बात करें तो यार गाड़ी को एस्प्रेसो नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यार इसको स्कॉर्पियो के जैसा लुक देने के लिए कोशिश करा गया था कंपनी की तरफ से। कंपनी ने की इस गाड़ी को स्कॉर्पियो जैसा लुक दिया जाए। तो आप देख सकते हो गाड़ी इस प्रकार की देखने में लगती है। तो रियर के अंदर आपको दो पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे, बम्पर आपको ब्लैक कलर के अंदर देखने को मिलेगा। तो चलिए अब इंटीरियर के बारे में बात कर लेते हैं। गाड़ी के अंदर आपको सिंगल ट्विन इंटीरियर देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो किस प्रकार का देखने में लगता है फ्रंट डोर। तो बाकी आप गाड़ी को इंटीरियर से देख सकते हो कि गाड़ी इंटीरियर से किस प्रकार की देखने में लगेगी। तो यार गाड़ी के अंदर आपको टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम भी देखने को मिल जाएंगे, फ्रंट के दो पावर विंडोज, हजार लाइट का बटन और दो एयरबैग गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे जब आप VXi+ वेरिएंट के ऊपर जाते हो। तो बाकी आप गाड़ी को देख सकते हो कि गाड़ी किस प्रकार की देखने में लगती है जब आप गाड़ी को ओवरऑल इंटीरियर से देखते हो। तो कविड जैसा इंटीरियर को देने की कंपनी ने कोशिश की है। बाकी गाड़ी के बारे में बात करें तो यार BS6 के अंदर ये गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये दो लीवर। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि यार ये ज़्यादातर जगह से वेगनार से मिलती जुलती है, लेकिन इसका मॉडल मिनी SUV के तौर पर लॉन्च किया गया। तो इसके अंदर आपको स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाते हैं और बाकी आप देख सकते हो। तो चलिए अब रियर सीट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले हम रियर डोर्स के बारे में बात करते हैं। रियर डोर्स के ऊपर आपको मैनुअली विंडोज देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको पावर विंडोज नहीं दी गई है, जो कि आप देख सकते हो किस प्रकार की देखने में लगती है जब आप रियर डोर को देखते हो। बाकी आप गाड़ी के इंटीरियर के अंदर देख सकते हो, इसके अंदर अभी व्हील कैप पड़ी है, कंपनी के अंदर जाएगी जब व्हील कैप्स भी लग जाएगी। और इंजन के कंपार्टमेंट को देख लीजिए, 1.0 लीटर का ये पेट्रोल इंजन गाड़ी के अंदर जो देखने को मिलता है किस प्रकार का देखने में लगता है जब आप इस इंजन को देखते हो। तो ये इंजन पावर जनरेट करता है 60 BHP की पावर, ये इंजन जनरेट कर देता है 67 BHP की पावर ये जनरेट कर देता है। और यहाँ पे आपको नीचे फोग लैंप्स नहीं दिए जाते, सिंपल गाड़ी का लुक है, यानी कि गाड़ी को ब्रेजा टाइप में आगे का लुक देखने को मिलता है और मिनी SUV गाड़ी को कंपनी कहती है। ओवरऑल आप वॉक अराउंड देख सकते हो गाड़ी किस प्रकार की देखने में लगती है जब आप साइड प्रोफाइल से गाड़ी को देखते हो। तो आप पूरी गाड़ी को देख लीजिए कि गाड़ी किस प्रकार की देखने में लगेगी जब आप गाड़ी को देखोगे। फ्रंट की लाइट्स के बारे में बात करते हो, आप लाइट्स देख सकते हो स्क्वायर शेप के अंदर लाइट दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की ग्रिल देखने को मिल जाती है, जो कि देखने में बहुत बेहतरीन लगती है। तो चलिए समाप्त करते हैं ये वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना।